गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट आज का टॉपिक है द रोल ऑफ द एटमोसफेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल क्लाइमेट कंट्रोल में एटमोसफेयर क्या रोल प्ले करता है वी हैव टॉक ऑफ द एटमोसफेयर कवरिंग द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट हमने पढ़ा था कि जो एटमोसफेयर है वो हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करते हैं वी नो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ़ हीट हम जानते हैं जो एयर है वो हीट का बेड कंडक्टर है द एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फियरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर हम जानते हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर रहता है अर्थ के ऊपर वो कैसा रहता है वो क्योंकि एयर क्या है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो स्टडी uh, रहता है डे के टाइम में भी और होल कोर्स ऑफ द एयर में भी द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स डे लाइट आवर्स में जो टेम्परेचर रहता है वो क्या हो जाता है सडनली इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लो डाउंस द स्केप ऑफ ईट इनटू आउटर स्पेस और रात में जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं रहती है उस टाइम में यहाँ की जो हीट है वो कहाँ चल जाती है स्पेस में चल जाती है और धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो डाउन होता चले जाता है थिंक ऑफ द मून विच इज अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्राम द सन दैट द अर्थ इज़ मून के बारे में सोचो जिसकी डिस्टेंस लगभग समान है अर्थ से जितनी दूरी सन की है उतनी ही दूरी मून की भी सन से हैं डिस्पाइट दैट ऑन द सरफेस ऑफ मून विथ नो एटमोसफेयर द एवरेज टेम द टेम्परेचर रेंज इज़ माइनस नाइन्टी डिग्री टू वन टेन डिग्री सेल्सियस तो वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो माइनस नाइन्टी डिग्री सेल्सियस से लेकर के वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वहाँ पर रहता है यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है फोर्टीन पॉइंट वन मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग किस किस चीज़ का आपने टेम्परेचर नोट करना है मेज़र करना है अब बीकर फुल ऑफ वाटर अ बीकर फुल ऑफ सॉइल सैंड अ क्लोज बोटल कंटेनिंग थर्मामीटर इन सारी चीज़ों का आपने टेम्परेचर नोट करना है कीप इन ब्राइट सनलाइट फॉर थ्री आवर्स डाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑल थ्री वेसल्स ऑल्सो टेक द टेम्परेचर रीडिंग इन सेड ऐट द सेम टाइम तीन घंटे तक आपने उन्हें कहाँ रखना है टेम्प्रेचर uh, वाले रीजन्स में जैसे सनलाइट में और उसके बाद फिर दोबारा से उन्हें सेड वाले एरिया में रख कर के टेम्परेचर को नोट डाउन करना है एज वी एज वी हैव सीन अब सैंड एंड वाटर टू नॉट हीट अपट द सेम डेट जैसा कि हम जानते हैं जो सैंड और वाटर है वो सेम रेट से हीट वो गर्म नहीं होते हैं वॉट डू यू थिंक विल बी देयर रेट ऑफ़ कूलिंग आप उनके कूलिंग के रेट को से क्या समझते हैं कैन वी थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रिडिक्सन क्या हमको इसके लिए भी कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा द मूमेंट ऑफ एयर दैट इज़ फेंड तो विंड हमारा दूसरा अबायोटिक फैक्टर है जब एयर मूव होती है तो उसी को क्या बोला जाता है विंड बोला जाता है वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रॉड बाय कूल इवनिंग ब्रीजेज आफ्टर द हॉट डे गर्मियों के दिनों में जब हम हमें आ, उस टाइम पर कूल cool फील होता है जब क्या होता है चारों ओर ठंडी हवा चलती है एंड समटाइम वी आ लक्कीली इनफ टू गेट रेन्स आफ्टर सम डे ऑफ रियली हॉट वेदर और हम तब अपने आप को लक्की महसूस करते हैं जब बहुत गर्म दिनों के बाद क्या होती है बारिश होती है वट कॉज इज़ द मोमेंट ऑफ एयर एयर को मोमेंट होने के लिए क्या कॉज की जरूरत होती है एंड वट डिसाइड वेदर दिस मूमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ जेंटल ब्रीज अ विद विंड और ट्राइबल इस्ट्रोम इन सारी चीज़ों के लिए क्या कॉज होते हैं या क्या चीज़ें डिसाइड करती हैं कि जन जेंटल ब्रीज होगी या फिर इस्ट्रॉन्ग विंड फ्लो होगी या फिर ट्राइबल uh, स्ट्रोम आएंगे उस रीजन्स में वट ब्रिंग अस द वेलकम रेंस ऑल दीज फिनोमिना आर द रिजल्ट ऑफ चेंज चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अवर एटमोसफेयर ये सारे चेंज हमारे एटमोसफेयर में आने वाले चेंजेस की वजह से होते हैं ड्यू टू दीटिंग ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर जैसे जैसे एयर हीट होती है तो उस टाइम पर क्या होता है जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है वाटर वेपर का वाटर वेपर इज़ फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज वाटर वेपर का फॉर्मेशन किस चीज़ की वजह से होता है वाटर के हीट होने की वजह से और डिफरेंट एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स एनिमल्स और सारे प्लान करते हैं उसकी वजह से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है द एटमोसफियर कैन बी हीटेड फ्रॉम ब्लो बाई द रेडिएसन दैट इज़ रिफ्लैक्टेड बैक एंड री रेडिएटेड बाई द लैंड और द वाटर बॉडीज़ इसके अलावा एटमोसफियर किस चीज़ से हीट होता है एटमोसफियर रेडिएसन से जो रिफ्लैक्टेड रेडिएशन हैं उनके द्वारा या फिर जो रिफ्लैक्सन्स रेडिएट होते हैं डिफरेंट वाटर बॉडीज़ और लैंड के द्वारा ऑन बींग हीटेड कॉन्वेक्सन करेंट आर सेटअप इन द एयर और इस हीटिंग के वजह से एटमोसफियर के हीटिंग की वजह से क्या होता है एक करेंट इनक्रीज होता है एयर के अंदर इन ऑर्डर टू गन समरस्टेंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्वेक्सन करेंट लेट एस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी तो इस कॉन्वेक्सन करेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे एक्टिविटी फोर पॉइंट टू आपकी बुक में दी गई है प्लेस अ कैंडल इन अ बीकर एक बीकर के अंदर आपने क्या करना है कैंडल को रखना है और वाइट माउथेड बोटल एंड लाइट इट लाइट एंड इंक्रीज इंसेंस स्ट्रीक एंड टेक इट टू दाउथ ऑफ दोटल जैसा की आपको दिखाया गया है आपने एक बीकर लिया और उसके ऊपर आपने क्या करा है एक अगरबत्ती को जलाया हुआ है विच वॉ वे डोक फ्लो वैन द इंसेंस स्टिकप्ड नियर दफ द माउथ विच वे ड नॉट द स्मोक फ्लो वेन द इंसेंस स्टिक इस की लिटिल लव द कैंडल विच वेट एस द स्मोक फ्लो वैन द इंसेंस स्टिक इज़ कैप्ट इन अदर रीजन तो हर एक रीजन्स में जब हमने इंसेंस स्टिक या फिर अगरबत्ती को रखा चाहे वो हमने बीकर के नजदीक रखा या फिर उससे कुछ ऊपर रखा या फिर कोई दूसरे स्थान में हमने रखा तो क्या फ्लो था उसका उसके स्मोक का द पैटर्न रिलीव्ड बाय द स्मोक्स हो डायरेक्शन इन विच हॉट और कोल्ड एयर मूव तो ये पैटर्न हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में हॉट या फिर कोल्ड एयर मूव होती है तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू